महाबंक राजा आए तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ना चमत्कार विश्वास जताऊंगा तुझ में अविश्वासी ना बनक राजा राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती सब कुछ मुमकिन हो जाता अविश्वासी ना बनक राजा तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ना चमत्कार विश्वास जगाऊंगा तुझे अविश्वासी ना बनक राजा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों आज माता कलीसिया संत आंद्रेयस के पर्व मना रही है संत आंद्रेयस संत पेत्रुस का भाई था और बारह प्रेरितों में से एक है प्रभु ने संत आंद्रेयस और उसके भाई पेत्रुस को एक साथ बुलाते हैं अपना शिष्य बनने के लिए आंद्रेयस नाम का अर्थ है साहसी एक साहसी व्यक्ति था आंद्रेयस सुसमाचार के लिए और प्रभु का शिष्य बनने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के त्याग करके प्रभु के पीछे हो लिए आज उनके पर्व मनाते हुए माता कलीसिया हमें यह निमंत्रण देती हैं कि हम भी प्रभु के शिष्य नाम की वजह से नहीं अपना जीवन देते हुए प्रभु का शिष्य बनने के लिए सुसमाचार का प्रचारण करने के लिए हम भी तैयार होना चाहिए तो आइए आज संत आंद्रेयस का त्योहार में इस पवित्र मिसा चलाते हुए हम प्रभु से विनती करें कि प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर छाए रहें और हमें हर प्रकार की शक्ति और कृपाएँ प्राप्त हो जाए ताकि हम प्रभु के सही शिष्य बनते हुए अपना जीवन बिताएं आइए इस पवित्र मिसा योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पापों को अपने कमजोरियों को स्वीकार करें हे भाइयों बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर
हमें अनंत जीवन प्रदान करे। तेरी कलीसिया के आचार्य तथा परिपालक थे, अब वे स्वर्ग में तेरे समक्ष हमारे मध्यस्थ बने रहे। यदि याचना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संगी शुर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और टंगे पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 से 18। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उनमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। इसाया कहता है हे प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे उस
उसके वचन को सुनाए दिल, चाहे हर मुसीबत से गुजरे न पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरे न पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेत्रुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रेयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। उसमें ऐसा लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। यानी सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। सुसमाचार यानी शुभ संदेश क्या होता है? वह ये होता है, आज का पहला पाठ में बताया गया है, जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति, मुक्ति प्राप्त होना ही है शुभ संदेश। इस मुक्ति प्राप्त होने के लिए उन्हें प्रभु येसु क्रिस्त में विश्वास करना पड़ेगा। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु यीशु के बारे में सुनना है और उनके बारे में सुनाना है। लेकिन कुछ सवालों भी पूछे गए हैं आज का पहला पाठ में, परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। हमें पता है कि प्रभु यीशु कौन है, वह हमारा मुक्तिदाता है और हम उनमें विश्वास करते हैं। लेकिन अपना भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के बारे में अभी तक नहीं सुना है। और हम सब जिन्होंने प्रभु को जानते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बारे में दूसरों को बताना, क्योंकि प्रभु के बारे में शुभ संदेश है, मुक्ति है, वह मुक्ति दाता है। लेकिन अगर कोई उनके बारे में दूसरों को नहीं बताएंगे तो दूसरे लोग कैसे प्रभु को जानते हैं? और आज हम संत अंद्रेयास का त्यौहार मना रहे हैं।
संत अंद्रेयस को प्रभु यीशु ने बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई पेतरुस के साथ उनके सब कुछ छोड़ के, जाल और मछली, नाव, सब छोड़ के प्रभु के पीछे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वह एक बुलाहट था, एक कॉल था कि प्रभु का सुसमाचार सुनाने का। और वह सुसमाचार सुनाते हुए दूर देश चले गए और अंत में उनका मृत्यु एक एक्स क्रॉस के रूप में, क्रॉस में हुआ है। हमने देखा है कि क्रूस तो ऐसा होता है, लेकिन एक्स के रूप में एक क्रूस बना के उस पर उनको चढ़ाया गया, उनकी उनका मृत्यु उसमें हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, अंद्रेयस ने अपना जीवन प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए समर्पित किया। अभी हमारी बारी है, हमारा बुलाहट है कि प्रभु यीशु को हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो दूसरों को भी बताना है जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? प्रभु मुक्ति दाता है, शांति दाता है, जीवन दाता है, और हमें हमेशा प्यार करने को सिखाते हैं, नफरत को हटाने के लिए, युद्ध को हटाने के लिए शांति लाने को प्रभु हमें सिखाते हैं। तो आइए संत अंद्रेयस के जैसे, संत पेतरुस के जैसे, संत योहन और याकूब के जैसे हम भी अगर चाहिए तो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लें, ताकि वही जीवनदाता हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें प्रभु की कृपा के लिए कि हम भी अंद्रेयस के जैसे सुसमाचार फैलाने के लिए योग्य बन जाएं। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। उसे बनी रोटी के साथ जीवन दिलाए हैं, रस के प्यारे के साथ प्यार दिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, उतरे तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, उतरे तू कर दे। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो दान हम संत अंद्रेयस के पर्व दिवस पर अर्पित कर रहे हैं, वे तुझे पसंद आए और हम सब में जीवन का संचार हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित था और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों के समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यश गान करते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना होसाना। वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना पूछे नभ में होसाना होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत अंत्रेयस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान, युगानि युग तेरा ही है। दाता के आदेश पर और दिव्य शिष्या से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुगित और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन से कहा, हमें मसीह अदर्थ क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले आया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे संस्कार में सौभागिता हमें बल प्रदान करें। धन्य प्रेरित अंद्रयास के आदर्श पर चलते हुए हम क्रिस्त का क्रूस सहर्ष स्वीकार करें और पुनर्जीवित प्रभु की महिमा प्राप्त करें, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र
पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त यज्ञ संपन्न हुआ है, ईश्वर को जीवन